लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। ये है आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम आलापुरा। मैं निर्मला समाचार पढ़ रही हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब शीत युद्ध शुरू हो गया है और इसमें बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत भी युद्ध के खतरे में है। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने ये खबर दी है कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। हर एक चित्र में बहुत सारी कहानियां होती हैं। जब हम उसे सुनने की कोशिश करते हैं तो वो शांति से और बिना किसी शब्द के बात करती हैं। ये हैं विट्ठल जनार्दन नायर। सिनेमा की दुनिया में चेन्नई जा रहे हैं। इन्हें सिनेमा बहुत पसंद है। इन्हें अपने गांव में खुद का एक सिनेमा खोलने का बहुत शौक है। फिर इन्होंने वहां के थिएटर में बैठकर फिल्म देखने के बाद ये निर्णय लिया कि अपने गांव में इससे भी सुंदर चीज लेकर आएंगे। खेत में परिश्रम और ताड़ी की मिठास की वजह से और साथ में कम्युनिस्ट की ताकत, इन दोनों ने मिलकर पेरुवत्रु को जन्म दिया। कला के मंच पर सिनेमा को भी जगह मिली। जनार्दन की माँ का नाम है श्रीदेवी। इन्हीं के नाम से इस टॉकीज का नाम भी रखा गया। वैसे सिनेमा और श्रीदेवी टॉकीज पेरुवत्रु की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन गई। जनार्दन नायर की मृत्यु के बाद उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी का जब बंटवारा हुआ था तो उनके 8वें बेटे माधव को ये थिएटर मिला था। घाटे में चलने की वजह से ये टॉकीज बंद हो गया, लेकिन माधव ने अपनी मेहनत से इसे फिर से खड़ा कर लिया। शॉट सिर के ऊपर से। बलाटूकारा और वडकुंभकम के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। क्या तुम लड़ाई के योद्धा हो? नहीं।
मुझे तुम्हारे गुलाम या बेटे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो ये है, ये। गलती से आपके ऊपर गिर गया। आज तो तू गया। इसे बहुत अच्छी तरह अच्छा पड़ी। तुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तुझे लेटर और कैसेट्स मिले और हम लोगों को मार मिली। हमें पूछने वाला कोई नहीं है। तुझे पता है उसे डॉक्टर से फ्री में इलाज करने की वजह से उसने कोर्ट से जब्ती का ऑर्डर भेजा है। चलो बे। आगे से भी फंसा, पीछे से भी फंसा। इतने सारे कमीनों में से किसने तुझे मारा है? यहाँ पे खड़े हुए सारे लोगों ने मारा है मुझे। अब मजा आएगा। अरे तुम्हारी तो क्या बोला भाई? लगता है इसने आपके बाप को गाली दी। आप क्या देख रहे हो? आप भी गाली दो ना। हाँ पैर से मसाज से। क्या बोलूं मैं? कुमार बता क्या बोले। बदमाश। बदमाश। कौन सा माश? बदमाश। ये बदमाश मतलब माँ की गाली होती है। माश मतलब डैडी, डैडी मानी। बद सिर्फ बदमाश भाई। अरे तू बदमाश। हाँ अरे तू बदमाश। ये नाले पे दहला मार रहा है। अबे निकल बे पागल। भाई वो आपको चिढ़ा रहा है। पागल किसने कहा? दम है तो एक बार बोल के दिखा। अगर फिर से कहूंगा तो गिर जाऊंगा। और क्या क्या बोलूं तुझे बजरंगी भाई। नाम बदलने से इंसान नहीं बदलता। धोखे बाज बीजू। क्या 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 क्या? मेरा नाम बजरंग है। देख विनय, बड़कम भागम की लड़कियों को लुभाने के लिए तेरी ये कहानी से भरी चिट्ठी और कैसेट्स मुझ पे कोई असर नहीं करेगी। अबे तू कुछ भी कर ले मैं ये फिर से करूंगा। और मैं ये चिट्ठी और ये कैसेट भी दूंगा। तेरे में दम है तो मुझे रोक के दिखा। और वैसे भी ये तो काला है ना बिजू। चाहे तो मैं तुझे भी सिखा दूंगा। अगर तुझे कोई शक हो तो मुझे कॉल करना। माय फोन नंबर इज 2255555। चल रहे उसका नंबर नोट करने के बजाय जाके उसे पकड़। अरे देखना बंद करो, भागो। पलाटुकरम और वडुकमम के बीच ये झगड़ा बहुत पहले ही शुरू हुआ था। पेरुवतरू के जो लोग हैं वो इनकी आवाज से ही सुबह उठते हैं। विनयन, बजरंगन, लिलीपुरु, कोनेल अलिया, ये सब इस गैंग के लोग हैं।
पेरू तो कुड़ू के किस्से अभी भी चालू है और ये कहानी है विनय की। हे ऊपर वाले, प्रेम नसीर की तरह ही आशीर्वाद दीजिए एक सुंदर बेटा हो। हो सकता है। श्रीदेवी थिएटर के ऑपरेटर का नाम है बालाचरण। जब रिलीजिंग मूवी का बॉक्स लेट आता है उस दिन ये मेंटल स्ट्रेस में रहता है। अपने डैडी का प्रेम नसीर है तू। नसीर, पुष्पांजलि के लिए क्या? वो बच्चे का नाम है प्रेम नसीर। सिनेमा देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सिनेमा ने सबको पागल ही कर दिया है। खेला अब मैं तंग आ गई हूँ। हर जगह बस यही होता है। गोविंदन नायर के बेटे का नाम क्या है? प्रेम नसीर। कैसे हंस रहा है? सुन, आज से ना तो तेरा ये नाम रहेगा और ना ही तेरे बाप का फिल्मों का शौक। समझा ना क्या कह रही हूँ? हाँ, आज से तेरा नाम है विनय। ठीक है, विनय चंद्र। और तू अपने बाप की तरह थिएटर में रील नहीं घुमाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा और कुछ अच्छा काम करेगा। हाँ चल अब। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खड़े हो जाओ। दिख रहा है ना, वो नसीर है। अच्छे लग रहे हैं। बालाचरण के मरने के बाद जवान विनय श्रीदेवी टॉकीज में प्रोजेक्टर ऑपरेटर बन गया। अपने पिता की यादों के साथ प्रोजेक्टर और श्रीदेवी टॉकीज, इन दोनों को विनय ने अपने दिल से लगा लिया था। हे, वो देख आ गया वो। चल चल मार मार मार। चल पेट में लूंगा, पेट में। अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? रास्ते से हटो। ये भगवान का कार है, हमें जाने दो। हाँ चलो। उस दिन पेरुवतरु में दो चीजें हुई थी, पहला विनय और श्रीदेवी के लव की शुरुआत और दूसरा पाला टुकड़ा और वदा कुंभकम दोनों बहुत बड़े शत्रु बन गए। अगर आपको इसकी वजह जाननी हो तो ड्राइवर को जानना होगा और यह है ड्राइवर की कहानी। ठीक है, पेरुवतरु के लीडर विश्वनाथ मेनन को ही भगवान के नाम से बुलाया जाता था उसकी गन की वजह से। यह है जर्मन मेड रिवॉल्वर 1936 और इसे भगवान के खानदान को दो जर्मन के लोगों ने गिफ्ट किया था। इसे आकाश में फायर करने के बावजूद गोली जिस आदमी को मारनी हो उसका सीना चीर देती थी और यही इसकी खासियत है। हाँ
में रहने वाले, भाग मत, भागा तो गोली मार दूंगा, रुक जा। अरे भाई गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। क्या ये? गोली डालना भूल गया था। आओ। भाग गए। और उस रात भगवान की छोटी बेटी भाग गई थी, और इस तरह से पाला टुकड़ा और वडुकंबकम के लोग बहुत बड़े शत्रु बन गए, और दोनों ही गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन पाला टुकड़ा के मुर्गे कुकड़ू कुक करते ही रहे। अरे पागल, बंद करना इसे। अरे अरे ये बंद ही नहीं हो रहा। अरे जल्दी से बंद करना इसे। अरे तो तू ही करना, बहुत होशियार बनता है। ठीक है, ला मुझे देख। करना कर। ये तो बंद ही नहीं हो रहा। बंद नहीं हो रहा है। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि बंद नहीं हो रहा है। लगता है गन की आवाज थी। अरे वो गन लेकर आता ही होगा। मम्मी जिंदा हूँ और सुपरमैन की तरह आ रहा हूँ। लगता है वो आ रहा है। जल्दी बंद करना। जल्दी करना, बंद कर से। अबे जो चल रहा है वो ऑफ कर। अबे वो आ रहा है, तुझे गाली देगा वो। अबे जो ही होगा तू ही सुनना, मुझे भी बता दिया। जल्दी से बंद कर दे इसे, वरना बहुत गाली खाएगा, बता रहा हूँ मैं। जल्दी कर, बंद कर। अबे तू पागल है या पागल होने का नाटक कर रहा है? ये और इसकी दौड़ी। चल खत्म कर। बंद हो गया ये। बाहर में जब चल निकल बाहर। अरे चलो भाई, जल्दी करो, चलाओ गाड़ी, चलाओ। हाँ ये मर्सिडीज है ना, फास्ट चलने के लिए। बस तू ऐसे ही चलाता रहा। गाड़ी को सीधा जंगलों के बीच से लेकर चल, बिल्कुल सीधा जाना। तुम लोगों ने म्यूजिक ऑफ किया इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मार देता तुमको। लगता है नीर सुबह ही चढ़ गया है। अरे वो लड़का है ना, बोल नहीं सकता कि कब दिखेगा वो। ये पीना बिना मैंने छोड़ दिया है। मजाक मत कर। मैं करूंगा। दम है तो करके दिखा। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस इसे ढूंढ नहीं पाई। पूरी जगह ढूंढने के बावजूद ये ऊपर छिपाया था ना, हमने भी बहुत ढूंढा। तुम्हें पता है क्या, आकाश में बहुत सारी गाड़ी की दुकान भरी है। रा के आगे आ की मात्रा लगाई तो हो गया रा। आ के आगे एक आ की मात्रा लगाई तो हो गया था। रा के आगे आ की मात्रा लगाई तो हो गया रा। ये तो सही है बेटा, ऐसे ही रा को दूसरे रा के साथ लिखा तो। आज तो तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। हाँ ये सब छोड़ो, चिट्ठी के पैसे भर दिए ना। यही तो दिक्कत है, जंगल में ही रहता तो ही अच्छा था। क्या जिस रात हम मिले थे वनजा, हाँ? क्या तुम्हें वो रात याद है? आप भी ना इस उम्र में पहली रात की बात कर रहे हैं, बच्चा है, मैं नहीं बताऊंगी। शराब पुरानी होती है तो कीमती होती जाती है, ये प्यार का मामला भी ऐसा ही है। पुराने दिनों को जरा याद करो। आपका नाम तो नीर है ना पापा? हाँ नीर तेरा बाप है। हाँ। अच्छा दोनों बाप बेटे एक दूसरे को चिढ़ाते रहो, मैं जाती हूँ अंदर, बहुत काम है। अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, रुको रुको रुको। हाँ
लड़की नदी किनारे नहाने जाती है, दूर से लड़का झाड़ के नीचे से रुके। बच्चा है। झाड़ के यहाँ रुके? पापा ने पक्षी का घर देखा बेटा। ओ, बस घर ही दिखेगा, पक्षी हाथ नहीं आएगा। कौन सा पक्षी था पापा? कौआ। कौआ पक्षी होता है क्या? कुछ समय के बाद कौआ भी पक्षी बन जाता है। ओ, फिर ठीक है। मम्मी। हाँ? खाना लगा दे। पिताजी का प्रेम नसीर आ गया? उमर, पोती, कीर्ति, जोज वो क्यों नहीं आए? हाँ, अच्छा, आपके सामने इतना बड़ा हीरो बैठा है, काफी नहीं है क्या? बस बस, आया बड़ा हीरो बनने वाला। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, उनके बदन से थोड़ा बहुत तो पसीना भी आता है। अरे ओ निकम्मे कहीं के, तू काम करेगा? कितने साल से बोल रही हूँ 10वीं पास कर ले, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करवा, लेकिन तू तो थिएटर में बस रील घुमाएगा। मेरे लिए भी परोस दो ना मम्मा। हाँ, देख, मालती 10वीं पास कर लेगी, उसके बाद तुझे पढ़ाने वाला भी कोई नहीं होगा। ए मम्मी, तू मुझसे इस तरह बच्चों की तरह बात मत किया कर, समझ गई ना? तेरे बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। हे मदर, लेट इट बी द लास्ट टाइम। If you dare one more time, I will pull off your tongue and you know, just remember that. खींच के दूंगी ना तुझे। सुबह तुझे कुछ खरीदने के लिए कहा था, वो खरीद के लाया कि नहीं? नहीं, भूल गया। देख, कल से तुझे सिर्फ गर्म पानी दूंगी पीने के लिए, और कुछ बोलेगा ना तो तेरी तरह बस सिर हिलाऊंगी। घोड़े की तरह बड़ा हो गया पर किसी काम का। हर्ष मत, उसने तुझे भी बोला। भाई, परसों वंदना मूवी रिलीज हो रही है ना? हाँ तो? क्या आप मुझे साथ लेकर चलेंगे? सोचूंगा। श्रीदेवी दीदी भी आएगी ना? गो गो गो, चल जा। जो सफलता की सीढ़ी चढ़ता है, जो हमेशा हिट मूवी लगाता है, हमारे उसी हीरो की लेटेस्ट हिट मूवी वंदनम आज से श्रीदेवी टॉकीज में प्रदर्शित हो रही है। सभी लोग आइए दोस्तों, मूवी देखिए, मजे लीजिए, आनंद लीजिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तू क्या डांडी मार्च के लिए जा रहा है? सॉरी यार, मुझे इलेक्शन के दिन याद आ गया ना। हाँ। पुलिस ऑफिसर उन्नी कृष्णन और जट्ठा की लव स्टोरी, मजा आएगा, जरूर आइए। चार शो लगातार, चार शो, आइएगा जरूर। ये तो कड़क है, शक्कर मिलाने की वजह से कड़क हो जाता है। इसे गम नाम किसने दिया? गुस्तिल कम डिसूजा ने। हाँ, तेरा बाप है क्या? अरे चल वो? चिपका। अरे गम खत्म हो गया। अरे तू गम से चिपका रहा है कि तू उसे चाट रहा है? खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? उतने में पूरा करना तू। हाँ कर। पीते पीते कभी कभी यूं शाम बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। भाई सच कहूं मैं, आपका गाना कड़क है, एकदम कड़क। ये कब से गा रहा हूँ पता है? कितने साल हुए? बहुत साल हो गए। पुराने होकर सड़ गए हो दादा। अबे चुप रह, जब से तू अपनी माँ की गोद में सूसु कर रहा था तब से गा रहा हूँ। पीते पीते कभी कभी यूं शाम बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। लगता है ताड़ी पेट में गई है, तेरे बेटे की मम्मी को पता नहीं लगता है। तो क्या होगा कि तुम यहाँ पर गाना गा रहे हो? अरे यहाँ पर गाना गाते हुए तुम उसमें गम मिक्स करते हो और पूरे गांव में अनाउंसमेंट और नोटिस भेज दिया है। माधव बिट्टन और बॉक्स ऑफिस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया अब तक। अरे वो जरूर आएगा, उसे तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ। ब्लैक और व्हाइट बोलना शुरू कर दिया इसने। बोलो बोलो। उस दिन जब मैं काम कर रहा था तभी मैंने वनजा से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ आओगी। और इस तरह से वनजा और मेरे प्यार की शुरुआत हुई। जब हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो माधवन खड़ा था। वहाँ भी माधवन, यहाँ भी माधवन, देखा तुमने माधवन को? अरे एक ग्लास और लेके आओ। हाहाकार मचा कर बंदर कूद पड़ा लंका के अंदर। पर क्यों कूदा है बंदर सोने की लंका के अंदर? रावण का नाश करने सीता को ले जाने, रावण का नाश करने सीता को ले जाने। यार तू सीधा 610 पे पहुंच गया, कितनी पिए तुम लोगों ने? चार बॉटल। जाबे आप वो बॉक्स तो लाए हो ना यार, इसकी भी एक कहानी। हाँ। सुबह भगवान से इंटरेस्ट के साथ जब पैसे लेने के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में पहुंचा ना, बॉक्स नहीं आया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब बॉक्स आया तो मैं उसे लेकर बस में चढ़ाने गया और पूछने लगा बॉक्स में क्या है, कौन सी मूवी है, किसकी मूवी है। 100 सवाल कर दिए उसने। आखिर में मैंने टैक्सी पकड़ी और यहाँ आ गया और उसमें भी मेरा टैक्स कट गया। अच्छा, भगवान का पैसा देने के बाद और बाकी सब कुछ भरने के बाद बस यही बचा है। अब तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि लोग बाग टाकीज में इस मूवी को देखने जरूर जरूर आए। मतलब कल मूवी दिखाएगा, मतलब कल वो भी आएगी इसकी हीरोइन। क्या बात है।
मम्मी क्या देखो क्या है? मेकअप थोड़ा कम है, थोड़ा और कर दूं तेरा? अभी नहीं। नहीं, थोड़ा सा और कर दो ना माँ। आज वो आ रही है ना? कौन? कौन आ रही है? नई मूवी। हाँ। पूरा पाउडर का डिब्बा खत्म कर दिया। तभी समझ गई थी। तुझे तो मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है जल्दी जाओ, नहीं तो वो चली जाएगी। इस टॉपिक में तू मेरी दीदी मत बनना। ठीक है हाँ? गो गो गो, चल जा। जानो अरे ऐसे इंतजार करने से अच्छा है कि तू भी आ जाए। क्या लड़का है? ये बाइक खराब हो गई है। इस समय यहाँ पे क्यों खड़ा है? दो बार हॉर्न बजा के छोड़ दे। ठीक है भाई। भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा है, अब क्या चल बजा रहे? बजा ये वाला हॉर्न नहीं बजा, दूसरा बजा। भाई ये हॉर्न नहीं बज रहा सच में। क्या रे? दूसरी बेटी को बाहर नहीं जाने देता, लेकिन जिस दिन टॉकीज में नई मूवी लगती थी वो जरूर आती श्रीदेवी। उस दिन हमारे प्रोजेक्टर ऑपरेटर छुट्टी पर रहते थे। धूम ताना ना 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 धूम ताना ना 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 धूम ताना ना ना धूम। नई शर्ट है हाँ? बस ऐसे ही। कड़क कड़क। अच्छा बेटा और भाभी कहाँ हैं? उन्हें हॉल के अंदर ही बिठाकर तो यहाँ आया हूँ। वैसे कुछ भी कहो, यहाँ से फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है। सही कहा, ये बात भी है। चल भाई चल, सीट पर बैठ जा। चल बेटा बाजू जा। चल चल चल, वहाँ बैठोगे? अरे ठीक है। अरे आराम से आराम से आराम से यार, चलना बैठ जा। इसकी खुजली शुरू हो गई, हमारा बैंड मत बजा बे भगवान। अरे वो देख रहा है कैसे चुपा ले। अरे पूरा हॉल भर चुका है माधव। लोग तो हैं पर ऐसा हर रोज हो तो अच्छा है। हमारे जैसे छोटे छोटे टॉकीज एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं ना लगातार। सुनिए जनरेटर में प्रॉब्लम आ गई है, अगर फेल हो गया तो गालियां पड़ेंगी हमें। अरे, हम लोग यहाँ पहले से पागल हुए हैं और ऊपर से तू, चल जाना पागल। सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। इसको किसी बात की टेंशन नहीं है। ये क्या, अब उसे इस बारे में जो पता होगा वो वही करेगा ना। वो देख वो राइट में है ना, वही है। मैं देख लेता हूँ। नहीं।
बैठना ठीक। अब देखो कौन है? अबे अंधेरे में किसे ढूंढ? बोल उसको। बैठ जा। कौन है बे? जिसने मेरे भाई को बैठने को कहा? अरे कौन है? हाँ चुप रह। ना भाई। अरे बोला ना बैठ जा। बैठो ना। बैठ जा। बैठ जा। नहीं छोडूंगा तुम लोगों को। बैठो। अरे बैठ जा। बैठ जा। अरे बोलो ना। I love you। तुम भी बोलो ना। I love you। I love you। यही है तुम्हारा I love you? सुनने में अच्छा लगना चाहिए ना। ठीक से बोलो ना। I love you। ऐसे 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 गले लगा कर, गले लगा कर, गले लगा कर। चल चल कल फिर आऊंगा। अरे वो देख रही है। अरे 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 रुक जा रे, तेरी जाने दे मत। तू रॉकेट फेंकेगा मुझ पे, बोल। ए काय देख रहा है तू? भाई को रॉकेट मारा तूने? भाई की तरफ देखना। ए पोता, आज हमने रॉकेट मारा है, कल हम लोग एटम बॉम्ब भी मार सकते हैं। चल निकल। अरे मूवी कौन खा कर आया है? सुबह दाल खाई थी भाई। ऑटो की हेडलाइट इन लोगों ने तोड़ दी भाई। माय गॉड भाई, इन्होंने हेडलाइट तोड़ी है, मैं इनका सर तोड़ूंगा। कुछ बोलिए इनको। ऐसा मत समझना कि कहानी यही खत्म होगी। खत्म नहीं हुई तो क्या? तुझे तो मैं अगले उत्सव में देख लूंगा। हुआ क्या भाई? हुआ क्या भाई? मुंह बंद रख अपना गधे। ए सुन बे श्री बिजू, तू हमारे किले में पैर मत रखना, समझा? और एक सच्चे फैन के मुंह मत लग। चल साइड हो जा। चल ए जा रे, जा बे, जा। छोड़ने का नहीं इनको भाई। सुनो माधव। हाँ बोलिए। अपना अकाउंट देखने के बाद पता चला है कि हम पूरी तरह लॉस में चल रहे हैं। कोवाचा, माधव से इसी वक्त पूरे पैसे ले लो। हाँ। अरे सर, मैं सब घर लेके आ जाऊंगा ना। ठीक है ठीक है। ये फिल्म बहुत बोरिंग है। तुम्हारे पास कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे हर कोई देख सके, जैसे कि भक्त प्रहलाद, श्री रामायण? हाँ, लेकिन सर आजकल के बच्चे एक्शन और लव मूवीज को ही ज्यादा पसंद करते हैं, आप समझ सकते हैं। कोवाचा, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। अबे तेरी दाढ़ी, मैं पागल नहीं हूं, समझा ना। गई। हाँ चली गई। बहुत दर्द हो रहा है। या लालटेन की जय। अरे गधे बोलो ना। लालटेन की जय। लालटेन की जय। रुको मत, बोलते रहो बोलते रहो। तुम सही कह रहे हो,
आजकल के लोग शहर जाते हैं मूवी देखने के लिए। अब ऐसे हालात में हम शहर में व्यवस्था नहीं कर पाएंगे ना, और यहाँ लोग तभी आते हैं जब नई मूवी आती है। और वो माधवेटा उत्सव आ रहा है, ये लो। अब उत्सव के लिए नई मूवी कौन सी होगी, लोगों का मनोरंजन कैसे होगा? मैंने नई मूवी के लिए बात की, लेकिन मिलना मुश्किल है शायद। क्यों, ऐसा क्यों? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे होते हुए तुम प्रॉब्लम में हो सकते हो क्या? अभी पंचायत के लोग टॉकीज को इंस्पेक्ट करने आएंगे, इंस्पेक्शन। अभी की कंडीशन को देखते हुए नई रिलीज मिलना मुश्किल है। देखो माधव भाई, पहले उत्सव कमेटी को खत्म हो जाने दो। ये लाइट एंड साउंड के लिए तो एडवांस मिल जाएगा, बाकी बचा हुआ भगवान से ले लेंगे। पहले का ही देना बाकी है, और आज भी उसने बहुत जबरदस्त ताना मारा भाई। मुझे उसे देखना ही पसंद नहीं है। अरे इसका नाम भगवान किसने रखा? तो तेरा नाम राजन किसने रखा? वो ये लोगों ने। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मस्त है। क्या मस्त है? अरे ये मस्त है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। कैसेट को वापस देते समय एक किस जैसा कुछ दोनों। सुपारी की ये बाग और आकाश विनय और श्रीदेवी के कैसेट लग के साक्षी थे। मच्छर। हे पोटा, उसमें सिर्फ थोड़ी सी जान बाकी रहनी चाहिए। राइट चली गई। अबे 32 हो गए। मिस हो गया भाई। अरे क्या हो गया? चलता हूँ। पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं, अटैक। अरे तू अपने गाल उसके आगे क्यों कर देता है? भाई मिल गया। हाँ इसे मिला था। एक और। रुक रे। अरे रुक 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 आज तू नहीं बचेगा। छोड़ेंगे नहीं तुझे आज। चल रुक रुक जा। अरे कहाँ भाग कर जाएगा? दम है तो इधर आओ। आज तो तू गया बेटा। इस समय ये सारे गधे कहाँ पर जा रहे हैं? अबे भाई वो है। क्या हुआ? देखो इन्होंने क्या कर दिया ये। तुम लोगों में से किसने ऐसा किया? वो जिसके उलझे हुए बाल है, वो लंबी मूंछ वाला। किसने किया? हाँ, वही। इधर आ। अरे आना इधर। है इसे ठीक करने के बाद ही तू यहाँ से जाएगा। दे इसे। कोशिश करता हूँ। खींच 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 बराबर से। मुझे समझ में नहीं आया। चल जल्दी कर। कैसे ठीक करूँ? भाई उन्होंने उसे पकड़ लिया। अरे ये लोग मेरी जान है। हाँ भाई आपकी जान ने उसे पकड़ लिया है। आज तो मैं इस विनय की 13वीं बनाऊंगा। जल्दी चल यार। चल रहा हूँ ना भाई। अरे मूर्ख बोल रहा हूँ। इंडिकेटर चेंज कर। अरे सुन, ये मत समझना कि तू जीत गया। हम बाहर से आदमी बुलाएंगे तुझे मारने के लिए। ऐसा है तो उन्हें लेके आना पागल बीजू। अरे चलो उसको सब लोग मूर्ख बोलो। हाँ जोर से बोलना। आपको गाली दे रहे। अरे चल भाई ये क्यों उतर के जा रहा है? तुझे देख लूंगा। एक बार फिर से बोल। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है तेरे। झाड़ू के साथ मत खेल। तूने विनय को देखा क्या? कमेटी है ना, नाके पे ही होगा। हाँ ठीक है तू जा। ये काम करने के बाद वहाँ की सफाई करूँगा। क्या है? हमारे मम्मूटी को बच्चा हुआ है। बच्चे का नाम भी रख दिया। क्या? दुलकर सलमान। अच्छा है ना? अच्छा, अबे 86 का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तू? वो दुलकर तो अभी 4 साल का हो गया। अब जो भी है बड़ा होकर बहुत हैंडसम दिखेगा। बिल्कुल किरिकितन जोश की तरह है। क्या? कौन है किरिकितन जोश? तेरा बाप है क्या? ए, बाप पे मत जा, नहीं तो बहुत मार खाएगा तू। किरिकितन जोश को कुछ भी मत बोलना, समझे? क्या बे? तुझे बोला क्या है? कमेटी में नहीं आ रहा है? लिस्ट बना रहा हूँ, आप लोग जाओ, हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई। ठीक है। ए किलपिरु, यहाँ पर इस तरह बैठ मत, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। टॉकीज की इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन? उतरो उतरो जल्दी उतरो। स्टॉपेज आ गया, उतरो जल्दी 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 उतरो। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम, बस उतरो। यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं। अब न तो वर्दी है न कुर्सी।
इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। तुम्हारा बाप नहीं उतरूंगा नीचे, जा क्या कर लोगे बोलो। मैंने तेरे घर से मटका चोरी किया मगर उसे वापस भी कर दिया, फिर तू इन लोगों को क्यों लेकर आया मुझे बता। नहीं उतरूंगा मैं, उतरूंगा ही नहीं। अरे मुझे बचाओ, मेरे पीछे पड़ गए, बचाओ मुझे। अरे कहां फंस गया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं मारना मत। पागल है क्या? अरे मेरे दद्दू। ए बीड़ी नहीं चरा, पैसे दूंगा ना। अच्छा, जो अपने बाप से चोरी किए हैं? बस। अरे बस चला गया। दद्दू डोसा खिलाओगे क्या? वो नहीं है, दो बड़ा दूं क्या? ये अभी तक नहीं सुधरा। पानी पूरी, भेल पूरी, ओम पूरी, शिव पूरी। अरे नायर साहब कैसे हैं? अरे गगन, तू इस गांव में ही रहकर कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? धंधा मत बोलो बी गगन, बॉम्बे गगन, मुझे भाषण मत दो समझे, मार के कीमा बना दूंगा। जब देखो बकर बकर जिस गाड़ी से आया है उसी से वापस चला जा तू। गगन तू है क्या? क्या क्या चलाया चक्कर? अबे चक्कर पे चक्कर। अच्छा ये बता, तुझे आने में इतना लेट क्यों हुआ? जयंती को थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए। वैसे लड़कियां ऐसी होती हैं, कभी कभी तोड़ देती हैं। कौन? जयंती उल्लू के पट्टे। अरे कोई लड़की होगी पुराने खानदान की है। अरे पागलों वो ट्रेन है, जयंती, जयंती एक्सप्रेस। ओहो सर कहाँ से आ रहे हैं अभी? जहाँ जाने का तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो, अंडरवर्ल्ड की दुनिया से। वहाँ मेरा 6 हफ्तों तक मिल्खा सिंह के साथ युद्ध चला, घनघोर युद्ध नहीं महायुद्ध चला, कारतूस गोला बारूद। क्या और फिर बचे हुए एक दिन का क्या हुआ? क्या एक दिन जो बचा? वनडे मतलब फंडे, गुड क्वेश्चन। रविवार को हमें छुट्टी मिलती है ना, तो अंडरवर्ल्ड भी संडे को छुट्टी मनाता है। संडे के दिन हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। अच्छा ये बता यहाँ क्यों आया? चश्मा निकाल के बोलेगा। नॉस्टैल्जिया, अपनी माटी, अपनी देश, अपनी हवा की कुछ बात ही अलग होती है। अपनी मिट्टी की खुशबू खींच लाई। ओके दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी से बात करके आता हूँ, हट जाओ। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। प्रेम नसीर लाइट एंड साउंड, अभी तक बोर्ड नहीं बदला इसने। पुराने जमाने की लाइट्स हैं। ओहो जरा भी बदलाव नहीं है, बहुत अच्छे। अबे उल्लू दुकान की इंसल्ट करता है, अब से इस दुकान में पैर नहीं रखेगा। तो ऐसा बहुत बोल रहा है। अबे ऐसे ही नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने तुझे 1000 बार कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि इस गांव में तेरे ऐसे कारनामे नहीं चलने वाले। हाँ ए बड़ा आया प्रेम नसीर दुकान का ओनर। दोस्त को भूलने की हिमाकत मत करना। याद कर वो दिन जब तुझे खत लिखना होता था, तब तुझे मेरी याद आती थी। जब तुझे मैंने खत लिख कर दिया, तूने गलती से वो खत जानू को दिया। वो सारी बातें तू ऐसे नहीं भूल सकता है। इसका नंबर क्या है? 319। नंबर किस लिए? सूटकेस से हाथ लगा? नंबर चाहिए। और कैसेट का आइडिया भी मैंने ही तुझे दिया था। अबे जा बे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बालों में फूल लगाने का स्टाइल भी मेरा ही था। तुलसी के पत्तों का गजरा, काजल लगाए हुए आंखों के साथ। वो रहस्य जो उसने नहीं बताया, जैसे एक हंस की तरह उसे मैसेज भेजना, इसी को कहते हैं प्यार। यही कहना चाहता है। सारी बातें याद है तुझे? कुछ भी नहीं भूला अब तक? अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं भूलता, और ऐसी सारी बातें तो मैं बहुत अच्छे से याद रखता हूँ। उसके अलावा तू पहले यहाँ से निकल, पागल कहीं के। ऊंची आवाज नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये है वॉकमैन, फालतू लोगों के लिए नहीं। इसमें कैसेट लगा कर जो लोग प्यार मोहब्बत के रोमांटिक गाने सुनते हैं उनके लिए है, मेड इन गगन। लेकिन तुझे तो मैं ये नहीं दूंगा। है? है? क्या गगन हंस? फिर से बोल। अरे कैसे चलाया चक्कर? ये क्या चल रहा है? गाना सुन रहा है। कौन सा गाना? माइकल जैक्सन का। ओ क्रिश्चियन है ना? वो सिर्फ माइकल जैक्सन है, सामने देखो बुढ़ऊ कहीं का। Just beat it, woo! भगवान यही देख रहा है क्या? वहां देख भगवान। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले बताना चाहिए था। ध्यान से सुनिए। मैंने बोला था मगर तू गाना सुन रहा था। दोस्तों नियम बदलना है या नहीं बदलना है ये हमें आशान ने बताया है। आशान ने ऐसा कहा था क्या? कुमारन आशान। कुमारन आशान। इसकी वजह से हमारे लिए बदलना जरूरी है।
कमेटी मीटिंग प्लान करना रोज के कामों से थोड़ा सा समय निकाल के ऐसे ही कुछ बदलाव हमने किए हैं। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गाने के प्रोग्राम में लड़की और लड़कों को अलग अलग बैठाने का सिस्टम बंद होना चाहिए। वैसे भी भगवान के सामने तो सब एक हैं। एक हैं? मतलब अगर भगवान के सामने सब एक हैं तो अलग अलग बैठने का सिस्टम बंद होना चाहिए ना। हम सब एक हैं या नहीं वो सब छोड़ो, चोर और उसके साथियों का यह क्या काम? कम ऑन आउट यार। बराबर है, जो लोग नारियल और कद्दू चोरी करते हैं मंदिर में वैसे लोगों को ज्यादा इज्जत दी जा रही है। एरोथोर कदाबू के उत्सव के इतिहास में पहली बार त्रिशूर पूरम से पटाखे हमारे गांव में आने वाले हैं। हाँ, तो दोस्तों क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि कौन आ रहा है वो सब पटाखे लेकर? वेडिकेट टू विलाय उधर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले तो गांव में रहना सीख, फिर पता चलेगा वो कौन है। इसका मतलब तुझको भी पता नहीं है। और अगला है लाइट एंड साउंड। इस उत्सव में नयापन लाने के लिए हम लोग इल्यूमिनेशन बल्ब्स ला रहे हैं, वो भी बहुत सारे। इल्यूमिनेशन बल्ब्स, चमकने वाले बल्ब जो चालू बंद होते हैं ना, उसको इल्यूमिनेशन बल्ब बोलते हैं। हमारे उत्सव में लाइट और साउंड देने के लिए लाइट एंड साउंड की जिम्मेदारी लेकर हमारे पेरुआ थूर कदाओं में कदम रखने वाले का नाम है फिलामेंट फिलिप। ओ मामू, मैं आ गया। कूलिंग ग्लास के साथ इनका स्माइल देखिए। मॉडर्न मैन। चेक चेक माइक चेक। बड़े दिल वाले पेरुवतूर के वासियों, आपकी जानकारी के लिए दो शब्द। पहली बार बल्ब का जिसने आविष्कार किया वो मेरे गुरु हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। लगता है ये फॉरेन से आया है। मजाक मत कर। तेरी आंखों में प्रॉब्लम है क्या? पहले वो चश्मा उतार के फेंक। मुंबई में हर कोई पहनता है। मुंबई। प्यारे दोस्तों, हमारा न्यूटन जब एक एप्पल सर पर गिरा तब उसे समझ में आया, बुद्धि उसकी तभी खुली। क्या है, देखो, वैज्ञानिक लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो वो किसी चीज का आविष्कार नहीं कर सकते। लाखों जुगनुओं को देखने के बाद ही उनके मन में आया और उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार कर दिया। ये और इसका एडिसन और इल्यूमी, पकड़ इसे। तेरे इन फटीचर दांतों को एक मुक्का मारूंगा ना तो वो सीधे जमीन पर गिर जाएंगे। क्या भाई, साइंस पसंद नहीं है क्या? ये बता कि ये सब किस बारे में है बे? हर साल उत्सव के लिए लाइट और साउंड तो हम देते ही हैं, और अब अचानक से ये बदला, वो भी बिना नोटिस के। मुझे इसका कारण जानना है, चलो बोलो। अरे इसीलिए तो पहले ही प्यार से बताया गया था कि कुछ बदलाव किए गए हैं। ओ, इसलिए तुमने किया हुआ वादा और कोटेशन बदल दिया? हाँ, बहुत सालों से लाइट और साउंड के नाम पे तूने लोगों को उल्लू बनाया है, लेकिन इस बार हम लोग इंपोर्टेड लाइट्स लाने वाले हैं, समझ गया? बच्चों, तुम बैठ के देखो और सीखो हमारा एलिमिनेशन के अंदर जो दिखा रहा है। अरे अरे, शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब। सुनो, हर साल यहाँ के लोग ये करते हैं, इस बार क्यों नहीं इन दोनों को करने दे? देखो, ये उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को मिलकर करने की कोई जरूरत नहीं, हम करेंगे। ठीक है, चलो करो। तू देखना चाहता है? ओ, तो फिर से करके दिखाएगा। बस बहुत हुआ। कोई ये नहीं पूछता कि गांव में गौशाला कहां पर बनेगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए इस साल ये लोग करेंगे, ये मेरा फैसला है। किसी को कोई एतराज है तो बोलो, बोलो। ये पकड़, जब लूंगी ऊपर बढ़ाऊंगा तभी वापस देना। ये टेस्टर है, मेरी हिम्मत टेस्ट मत करना। निकल भाई काले भूत। कौन मैं? ये मेरा ही मजाक उड़ाता है मेरे ही सामान का यूज करके, अब देखता हूँ कैसे भाषण देता है। पागल। ठीक है, कमेटी के लोगों, कौन है? लेकिन फिर भी माधव बेटा,
चमकने वाले बल्ब से उन्होंने हमारा मजाक ही बनाया। मैं केलीपुरु जोस किरीकरण का फैन कसम खाता हूँ कि उन लोगों को इस धरती पर नहीं रहने दूंगा। अबे क्या बात कर रहा है, वहीं पर मारना था उसे। लेकिन उस समय मैं वहाँ नहीं था। हाँ, जैसे तू कोई पहलवान हो, कमेटी मीटिंग में तो कभी आता नहीं, बच्चों जैसी हरकतें करता रहता है, खुद को पता नहीं क्या समझता है। तू ज्यादा होशियार मत बन, तू भी उस लिस्ट में है। देखा देखा, लाइट चमक रही थी। ए गगन, ये सब सामान वहीं पर रखे। अरे चमकी थी यार। चलो देखते हैं हमारे बिना वो उत्सव कैसे मनाते हैं। हाँ। देखो इस उत्सव में कोई गड़बड़ मत करना। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उनके मुंह से गाली सुन के सारा काम गंवा कर सिर को कपड़े से छुपा कर चुपचाप बैठे रहेंगे। दिखाऊंगा, अच्छी तरह दिखाऊंगा, नहीं तो ये मूछें रखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? उन लोगों की तुझे पिटाई करनी है, यही है ना? तू वहां रहेगा मेरे साथ? मारूंगा, लेकिन अभी नहीं, उत्सव के 10वें दिन जिस दिन समापन होगा, परंपरा वाली पिटाई। ऐसा करने को सोचा है मैंने। वो तो है। इस मारामारी करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। लगता नहीं कि उत्सव में मूवी रिलीज होगी। वो क्यों? आज इंस्पेक्शन के लिए जो लोग आए थे उन्होंने कहा बाथरूम सही नहीं तो फिटनेस सर्टिफिकेट दिए बिना चले गए। लोग 2 घंटे के लिए पेशाब नहीं रोक सकते क्या? मैंने भी तो यही समझाया पर वो लोग माने तब ना। पंचायत काफी लंबी चल रही है, तू मुझे ये बता कि ये हरा वाला वायर नीले के साथ जोड़ूं या फिर दोनों प्लग में डाल दूं? तू अपने दिमाग में फिट कर ले, मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। ठीक है समझ गया, दोबारा तेरे से पूछूंगा भी नहीं। को टाइम कंजेशन अभी ठीक है लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए हमें एक और जनरेटर भाड़े पे लेना पड़ेगा और इसके लिए भगवान से मदद लेनी होगी। उन कमीनों ने उसका रास्ता बंद किया है, फिर भी भगवान के सामने तो खड़ा करना ही होगा। मुझे यकीन है कि उसने ये हमारे साथ जानबूझकर किया है। माधव, मैंने तुझसे ये नहीं कहा कि तू पैसे मत ले, लेकिन भगवान बहुत ही कमीना इंसान है, जरा सा भी चुके ना तो पैरों के नीचे से मिट्टी चुरा लेगा वो। हाँ बराबर है, लेकिन कल तक तो उत्सव में मूवी दिखाने की बात तय थी ना। चाहे कुछ भी हो जाए उत्सव में मूवी रिलीज होनी चाहिए। अरे डर मत, एक बार ये दोनों वायर जुड़ जाए फिर देखना मेरा कमाल। अरे जुड़ जा चमक। 1 2 3 अरे मैंने तुझसे कहा था ना उसके साथ मत खेल। अंधेरा हो गया। माधव उत्सव में कौन सी फिल्म दिखाओगे? गुड टाइम कुंजचन की बात की। क्या बात है माधव? माधव को पैसों की जरूरत है उत्सव में नई फिल्म दिखाने के लिए। पहले उधारी के पैसे चुका माधव, उसके बाद नई फिल्म दिखाना। अगली रिलीज के बाद मैं दे दूंगा सर, उत्सव में भीड़ हो जाएगी ना। कलेक्शन के नाम पे तूने मुझे बेवकूफ बनाने का धंधा शुरू किया क्या? ये बता तू पुराने पैसे कब तक चुकाएगा? सर वो हाँ बोलिए। ठीक है, आखिरी बार मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। पापा, आपने पानी मंगवाया था? अंदर जा तू। जब पहले बुलाया था तब तो नहीं आई, पानी लेकर आई है। मैंने कहा जान दे। दुश्मनों को भी पानी देती है। इस लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे इससे अच्छी तो इसकी छोटी बहन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। माधव तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन सर जो शर्त है वो तो आपने बताई नहीं ना। अगले महीने में मीनम का उत्सव 8 तारीख को है। अब जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हें तब तक लौटाने होंगे। अगर पूरा नहीं दे सकते तो 75% तो लौटाना ही होगा, वरना पैसे नहीं दूंगा। मैं भर दूंगा। मैं तेरे मुंह से नहीं माधव से सुनना चाहता हूँ, बोल क्या कहता है। बोलो ना। हाँ मैं दे दूंगा सर। जाओ ले आओ। ये जो पेपर लेकर आ रहा है उस पर साइन कर दो। ये लो साइन कर दो। अरे डरो मत करो। अब दो। ये दे दो। सुन माधव, एग्रीमेंट के मुताबिक अगर पैसे वापस नहीं मिले तो फिर तू मुझे भगवान कह या फिर विलेन कह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा। चलो। हुँ।
उत्सव में मिलता हूँ, टाटा। अरे चल ना। हाँ चल रहा हूँ ना। प्यारे भक्तों, पेरू बद्रु कड़ावा माँ देवता की धरती पर आज से उत्सव शुरू हो रहा है। इस उत्सव में आने जाने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी भक्तगणों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर एंजॉय कीजिए, देखिए खेल, देखिए मेला, देखिए बहुत मजा आएगा। यहाँ पर प्रतियोगिता भी है, उसके बैनर्स लगाए गए हैं, सजावट की गई है। बजरंगन का डेकोरेशन। लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ठीक 8 बजे हनुमान का खेल होने वाला है। सभी भक्त लोग आए और हनुमान का खेल देखें। इसकी शादी हो गई क्या? तो क्या? अरे मैंने पहले जो चोरी की थी वो उसका लंच बॉक्स था। जो व्यक्ति हनुमान की भूमिका करेंगे मत करना, परेशान कर रहे हैं। भूमिका में किले पे जोश और लक्ष्मण बने हैं। दूर हटना, क्या कर रहे हैं तू? कोनीलियन रघु। हमारे गुरु कहाँ पर है? परेशान मत कर मेरे को। हेलो, हम स्टेज पर जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो कि जीत के आना। अरे ये सोता ही रहेगा तो एक्शन कब करेगा? क्या सो रहे हैं? इसको उठाओ रे। पता नहीं इनकी आदत क्या है। ये कूलिंग ग्लास कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। रुक जा, तेरी फोटो खींचता हूँ। ए रावण, देखना आगे चल के इस फोटो को बेस्ट अवार्ड मिलेगा। चलो स्माइल करो। चीज। जहाँ देखते हैं वहीं शुरू हो जाता है। अबे ये पकड़ बे रावण, इसकी पूंछ में आग लगानी ही पड़ेगी। I'm coming। लगता है इस बार तो इसको पूरी पब्लिक पीटेगी। हनुमान जी इसे बचा लेना। लगता मार पड़ने वाली है। उन लोगों ने देखा क्या? चलो छोड़ो, निकल ले। भीड़ हो गई है, सभी से निवेदन है कि कृपया वहाँ से हट जाएं, भीड़ ना। हाँ, वही मेले से चलते हैं। चलो आप चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा हनुमान जी, इस बार मार खाने से बचा लो, बस आपके मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे अरे मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं भी आऊँ क्या? कोई जरूरत नहीं है, ये लेके जा। जल्दी जाओ। अच्छी प्रार्थना की तूने। तू करते रहे, मैं तो चला। कहाँ चली गई? श्री देवी, यहाँ 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 पे आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ। अरे आओ ना। गुड इवनिंग, क्या बात है? मम्मी पापा वहाँ पर वेट कर रहे हैं, मुझे चले जाना। भगवान, साल में एक बार तो उत्सव में तो मिलते हैं और बीच में ये मम्मी डैडी, जाने दो उन्हें। फिलहाल के लिए इतना काफी है, अगर पापा को पता चला तो तुम्हारी फोटो दीवार पर लटक जाएगी। देखते हैं, तुम्हारे डैडी को मैं ठीक से देख लूंगा। विनय, मैं जा रही हूँ, अगर पापा ने देख लिया ना तो। ए, वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते हैं, वैसा इंतजाम करके मैं यहाँ पर आया हूँ। कैसा इंतजाम? सभी भक्तगणों के लिए एक संदेश है, हमारे मेनन सर का व्हाइट लेदर चप्पल मिल नहीं रहा, ऐसी हालत होगी जब हनुमान के साथ खेलोगे तो। तुम हमेशा मजाक करते हो, मैं जा रही हूँ। दो मिनट के लिए रुको ना। और खेल का मजा आज का खेल है हनुमान। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने पैसे जमा करके तुम्हारे लिए खरीदा है। फॉरेन का है, कैसा है? ए, पापा आ गए। कहाँ पर? विनय, मुझे पता था कि तू कुछ गड़बड़ जरूर करने वाला है।
छोड़, इस गेटअप में ये सब मत कर, समझा? मैच नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, जगह की तो शर्म कर, चल यहाँ से, चल। जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, चल खुद तो पिटेगा मुझे भी पिटवाएगा। हे ईश्वर, चमकने वाले बल्ब से हमने जो इसकी हालत की थी तो उसके लिए ये घर आकर हमसे बदला ले रहा है, हे भगवान। चलो उठो, हे चलो उठो, चलो चलो। पालतू नाटक देखने में बहुत मजा आता है। अरे कहाँ जा रही है ये? भाई मैं वहां बैठ जाऊं क्या? बैठने को मुझे नीचे उतार, छोड़ मुझे, छोड़ क्या? अरे अरे क्यों क्या? चलो चलो भाला लेके आओ, अगर किसी को मार लो नहीं है। अरे रुक, ए सुन, बाप रे इसको तो देखता हूं अभी। मंगलम भवन। ओके मैं करता हूँ। कहाँ जा रहा है? इसको हमें अंधेरे में डालना है। चल पीछे हो जा। कैच। ठीक है, बस थोड़ा सा संभल के कर। एक कर शुरू हो जा। भगवान इसे आते जाते देख के कितना मजा आ रहा है। लाइट मस्त चमक रही है ना। फिर क्या, लुकछिप 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 टाइप। लेकिन क्या हमारे लोगों ने ही इसे सेट किया है? ये हम दोनों ने मिलकर सेट किया है। ऐसे जाता और ऐसे आ जाता है। यही है क्या जिसे तूने वापस आया बोला? तो। गधे के बच्चे। भाई लाइट को बुलाओ ना कैसे भी करके। अब तो तू गया काम से। अभी मेरा डायलॉग है। स्माइल करो। चीज। भाई भाई वहाँ पर देखो वो। चलो आक्रमण कीजिए। अबे क्या आक्रमण कीजिए? मैंने सोचा थोड़ा सा एक्शन हो जाए। मुंबई में तो ऐसा होता है। अरे तू चक्कर। देखो मत, बस मारो, मारते रहो श्री तो मैं खून कर दूं। बहुत साइंस का था ना ये रे तेरी तो। क्या हो रहा है? वो लोग वहाँ पे झगड़ा फसाद कर रहे हैं। अरे भगवान आ गया, मार के भगा उन्हें। अरे तू चक्कर, भागो रे। अबे भागते वक्त भी डायलॉग मार रहा है, जल्दी से भाग, डायलॉग छोड़। ओए दैया जल्दी भागो रे। अरे भाग रे, भगवान आ गया, भागो। अरे वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। चलो रे भागो जल्दी। अबे रुक क्यों गया, पागल हो गया क्या? कहाँ जा रहा है तू? रुक,
समझ गया ना? हाँ, बलून फोड़ा था इसलिए। फिर से मत फोड़ो। तेरी तो रोक। 34। तेरी तो फिर से मत मारना भाई। विनय भाग, जल्दी भाग। अबे रावण, तेरे चेहरों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसके लिए दवाई लेने जा रहा है? दवाई नहीं, जरूरी काम है, खून भी हो सकता है। लेकिन जो सुना है वो सच है क्या? वो हमारे ही लड़के थे क्या? फिर क्या, कल उत्सव में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अच्छा, अरे भाई दो चाय पिलाओ, गर्मा गर्म स्ट्रॉन्ग देना। ये भी यहाँ पर है। पेपर में आया है कि तुम लोगों ने उत्सव खराब कर दिया। ओह वाह, पेपर में भी आ गया। तुम्हारी बदमाशियां लिमिट क्रॉस कर रही है। चमकने वाला बल्ब ना ऑन करने के बाद ही चमकता है। मुझे लगा तुम्हें नहीं पता इसलिए बता दूं। अब तुम बेफिक्र रहो, आगे से कोई चमकने वाली चीज चमकेगी नहीं। पोटा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? फ्यूज निकालने के बावजूद तुम्हीं ने तो निकाला है। बल्ब का फ्यूज नहीं, हमारे भाई का फ्यूज। काफी है ना भाई? विनय, तुमने हमें मारा वो तो हम भूल सकते हैं, लेकिन तुमने इसे क्यों मारा जिसे कुछ पता नहीं? बिना कारण के हम किसी बेवकूफ को हाथ नहीं लगाते हैं। क्योंकि ये ना बेगाने की बारात में अब्दुल्ला दीवाना बन गया था, इसलिए फोड़ दिया। फिलामेंट, लगता है ये बिना कारण किसी को नहीं मारते, तो अगली बस पकड़ के यहाँ से निकल। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपने टूटे हुए बल्ब के पैसे चाहिए, नहीं तो बॉस मुझे मारकर भगा देगा, और वो सिंपल बल्ब नहीं था। पोटा, सच में फ्यूज निकल गया है क्या? एक बात बताओ ना नेरेटा, अगर 60 वोल्ट का बल्ब बार बार बन चालू हो रहा है तो वो खराब नहीं होगा क्या? खराब नहीं होगा क्या? बोलो बोलो, आप बोलो ना नेरेटा। फिर क्या होगा? होगा। तुम लोगों ने ये किया है, हमारे पास इसका सबूत है। तुम्हारे पास जो भी सबूत है हम सबको दिखाओ। अरे क्या तू हम सबको पागल क्या? हाँ, पागल समझता है क्या? यहाँ पर तेरे अलावा कौन चक्कर बोल सकता है? अरे क्या तू चक्कर? अरे देखा, नेरेटा ने भी अरे थू चक्कर बोला। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सब नेरेटा ने किया। मैंने कुछ नहीं किया। विनय भाई जरा सुनो तो, यहाँ सुनो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कहाँ जा रहे हैं? तेरा कर देखते हैं तुझे। ये क्या लफड़ा है, एक के पीछे सारे जा रहे हैं। लेकिन ये जा क्यों रहे हैं? क्या हुआ, बात क्या बोल? विनय अब तू गया काम से। मैंने अकेले नहीं किया, ये सब लोग भी थे मेरे साथ में करने के लिए। भगवान अब तेरा फ्यूज निकालने वाला है। तेरे और श्रीदेवी के चक्कर के बारे में उसे पता चल गया है। तुझे कैसे पता? भगवान के घर के पास से गुजर रहा था तभी सुना मैंने। वो बहुत गुस्से में था, कह रहा था कि मार देगा तुझे। सिर्फ विनय को ही मारेगा या हम सबको भी मारेगा? लगता है सबको मारेगा भाई। गई भैंस पानी में। विनय, आज शाम 6:30 बजे की बस से मैं वापस शहर जा रहा हूँ। पहुँच के तुझे खत लिखूंगा, तुम मुझे उसका जवाब जरूर देना, ठीक है? और डरना मत, मैं उसे खत्म कर मार दीजिए। लेकिन पहले आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं बोला, तेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। हे भगवान, अरे क्या प्रॉब्लम हो गई? इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं पड़ोसी आ जाएंगे। वो बंद कर अपना, बेटी को तो संभालना आता नहीं। पता है ये क्या है? वॉकमैन, ये लड़की और वो टॉकीज का ऑपरेटर। मैं कुछ ना बोलूं तो ही बेहतर है। एक तो घर छोड़कर भागी चुकी है, अब लगता है इसकी बारी है। ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये सब सच है क्या?
एक बात तू कान खोल के सुन ले, उत्सव के खत्म होने तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। चल जा घर के अंदर। चल, रोक के कोई मतलब नहीं है, मैं विनय के साथ भाग जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। अरे भैया सुनिए, उत्सव खत्म हो जाने दीजिए, अगर अभी कुछ करेंगे तो हमारा नाम खराब होगा। अब तुझे दिखाता हूँ कि घर के अंदर कैसे जाते हैं। प्लान नंबर वन। ये लो, फिर से आ गए कमीने, तुम लोगों का तो सर काट दूंगा मैं। गाड़ी निकल, गाड़ी निकल, गाड़ी निकल, जल्दी 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 भाग, जल्दी कर, अरे जल्दी चला, निकल 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 यहां से, तू भागता का है, जल्दी निकल। वेलायुधन आया है, वेड़ी केटू वेलायुधन आया है, ये कैसे हो भाई? अच्छा, सुपर। यहाँ पर क्या परेशानी है? अरे मैं किस दे दूं क्या? ची, अपने घर पर जाकर दे, जिसे भी किस देना है। क्या समस्या है? ये गांव ही ठीक नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। चल जा। क्या भाई, सब ठीक है ना? अच्छा है, अच्छा है। बीजू, वो मिल सकता है क्या? अरे भाई जी, बीजू नहीं, बजरंग। मिलेगा अब? अरे वो ऐसी चीज है कि हम में से आज तक किसी ने नहीं पूछा। यहाँ पे कोई बीड़ी नहीं पीता क्या? माचिस तो बिना माचिस के बीड़ी जलाने आए यहाँ पर? तेरी तो आग मिलेगी, कहाँ जलाना है मैं सब जानता हूँ। यह काला बंदर कौन है? बुरा नहीं मानिएगा, आंटी का बेटा है। आंटी का बेटा है। भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे है? बिल्कुल पागल है तू भाई, मेरे बल्ब के पैसे। डार्कमैन, तू फोकट में उसे चाकू उठाने के लिए मजबूर मत कर। ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, इन्हें डराओ। अरे वो देखो, ये ग्रीन शर्ट में कौन है? मैंने कहा था ना, कल रात को उसे मैंने देखा था। ये वही आदमी है। ऐसा क्या? वो क्या रखा है तुमने, कैमरा है क्या? नहीं, चड्डी है। अच्छा, ऐसा है तो वो निकाल के मुंह पे लगा ले, मुझे देखना है। अच्छा वैसे भाई, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? ये देखना कि यहाँ के लोग चड्डी और बनियान पहनते हैं या नहीं। मेरी बात सुन, जाके वादक कुंदन के लोगों से पूछ, ये वेला योद्धन, वेली केटू वेला योद्धन कैसे बना? तेरा चेहरा अच्छा है लेकिन तेरी जुबान अच्छी नहीं है, जरा उसे भी ठीक से चलाना सीख। अगर तू उस वादक कुंभकम की लड़की के पीछे गया तो याद रखना, तुझे पटाखा बना के उड़ा दूंगा। अबे चल, बहुत हो गया, हम तुझे बाद में देख लेंगे। क्या? मैंने बोला हम तुझे बाद में देख लेंगे। कहता है बाद में देख लूंगा। चल, चाहू तो अभी मसल सकता हूँ, पर एक मौका और दूंगा, क्योंकि दुश्मनों के साथ हम दुश्मनी भी ईमानदारी से करते हैं, मर्द की जबान है ये। क्या एक्टिंग की है इसने। इसने तो रोंगटे खड़े कर दिए। जयंत के बाद हमारा बंदा अगला है माधव। फिल्म में पहले जैसी अब नहीं है, इनमें कितने बदलाव आ चुके हैं। देखा कैसी एक्टिंग की है इसने। रोंगटे खड़े करना और आग लगाने की बात सही है, लेकिन अगर उत्सव के आठवें दिन भगवान को पैसे नहीं दिए तो वो हमें आग लगा देगा। अरे छोड़ना, क्या बात कर रहा है तू। हमारे इस टॉकीज को छोड़कर कोई भी नहीं जाने वाला, और अगर ऐसा हुआ ना तो ये नीर सीधा ऊपर चला जाएगा। चल तू चुप हो जाए। मधुटो कौन है? अरे गुरु फंस गए, कहाँ हो तुम? अरे कौन है, क्या बात है? जोशी आया है क्या? जोशी, जोशी वेलायुधन, वेलायुधन, वेलायुधन आया? वो निर्देशक क्या? अरे नहीं, वो निर्देशक बिल्कुल नहीं है, उसने इसे मारने की धमकी दी है। उत्सव में छोटा सा झगड़ा हो गया था तो मैंने तब भी तुम लोगों को कहा था, लेकिन तुम्हें तो आम के साथ गुठलियाँ भी चाहिए थी ना। आम और गुठली? क्या मतलब? तुम मुझे बोलने पे मजबूर मत कर, उत्सव को तुम लोगों ने खराब किया, ऐसी अफवाह सारे के सारे लोग फैला रहे। कैसे खड़ा है देख खुद को। देखो गुरु, सामने वाला हाथ उठाएगा तो मैं क्या ऐसे ही खड़ा रहूंगा? नहीं। देख तू उसका सपोर्ट करने की कोशिश मत कर, खुद को बचा ले उनसे। तू समय जब से लड़की के पीछे गया तब से समस्या शुरू हुई है, पहले उन्होंने वेदी कुट्टू और वेलायुधन को इंट्रोड्यूस किया था ना। इन्हें भी पता चली गया। मैंने तुझे पहले ही बोला था ये खबर फ्लैश हो सकती है, गलती से क्लिक हो गया। चाहे वेदी कट हो या फिर वाली कट, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ओके ओके, हां ठीक है, ये ठीक है। तू पहले जाकर उसके बारे में पूछ के आ। गर्ल्स, हाय, ये कैसेट क्यों दिखा रही है? तू अपनी आदत को सुधार ले समझा, वरना इनके चक्कर में तेरी नाव डूबेगी। मैं बात करके आता हूँ।
लगता है उसे किसी से बात करना होगा, इसीलिए कैसेट दिखा रही है। लड़की अगर कैसेट दिखाए तो उसका ये मतलब नहीं होता है। विनय को पहले वापस आने दो। देख वो मेरी सुमित्रा है। तेरी सुमित्रा? अबे चुप रह। क्यों चुप रहो? ए टॉस करके देखते हैं, ठीक है? टॉस करके देखते हैं, तभी हम फैसला करेंगे। जो भी जीतेगा फैसला उसके हक में हो जाएगा। बस लड़की के बाप को पता नहीं चलना चाहिए। गई। आ रहा इधर ही आ रहा। कौन सा कैसेट है? सुकुमो देवी? इतनी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन तुम सबको मेरे साथ ही रहना होगा। काम क्या है बता तो? अरे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, समझा क्या? ओके, जैसा तुम कहो। आज रात को हम लोग भगवान के घर में घुसेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं। भगवान के घर आज रात को? मेरे प्यारे विनय, ये काम कोई हाथ में कैसेट देने वाला नहीं है। रात को उसके घर में घुसना है, अगर भगवान को पता चला ना तो धाए धाए गोली मार देगा। और वैसे भी रात को उसके घर में घुसने से तुम्हें क्या मिलेगा? श्री देवी की शादी के लिए दूसरे लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे तो उससे मिलना ही है। अब कैसे मिलना है वो तुम लोग सोचो। मेरी बार कान खोल कर सुन लो, अगर ये श्री देवी से मिलने जाएगा तो मैं पक्का आऊंगा। फिर जमीन का भगवान तो क्या, आसमान का भगवान भी आ जाए तो हमें रोक नहीं पाएगा। अगर हमने फैसला कर लिया तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। ऑपरेशन भगवान। अरे मुंबई में सब ऐसे ही करते हैं ना बाप। ऑपरेशन भगवान, ऑपरेशन भगवान। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ यार, तूने यहाँ पर क्यों रोक दिया? चल के जाएंगे। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है चल। और क्या? अरे अच्छा अगर किसी ने पूछा कि हमने ये ऊपर क्यों चढ़ा है तो बोल देना कि ठंड से बचने के लिए, ठीक है ना? आराम से आओ, चुपके चुपके आओ, आराम से आते जाओ। हमारे अंदर बस हिम्मत होनी चाहिए, अगर दिल में हिम्मत हो तो भी काम मुश्किल। सांप आ गया था। अबे क्यों फालतू में डरा रहा है? इतना बड़ा शरीर, मुझे लगा कि शायद सांप था। सॉरी यार, हिम्मत है यार तेरे में तो। चल यार, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम बहुत बुरे फंसेंगे। मुझे डर लग रहा है। अभी फोकस सिर्फ श्री देवी के ऊपर। चलो कुछ भी बोल मत, चलते रहो। और अगर इतना डर हो तो यहाँ पर आई क्यों? चलो चुपचाप चलते चलो यार, चुपचाप चलते चलो। बस हम मंजिल के नजदीक आ गए हैं, इसके पास श्री देवी रहती है। वो देख श्री देवी का रूम। श्री देवी का कमरा? विनय भाई बड़ी कठिन है डगर पनघट की। वैसे भी तू एकदम उल्लू है और उस पर गोरिल्ला अटैक कर। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। चलो आओ, उधर फोकस करो, उधर आ जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आराम से। तुम लोग मत कूदना, वहीं पे रहो। बस यहाँ का निरीक्षण करना, ठीक है? अच्छा विनय तुम मेरे साथ आओ। इसको उतारना, लड़की से मिलने जा रहा है, नहीं चाहिए। ओके हम यहाँ क्या करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे बेटा। अरे यार वही श्री देवी का रूम है, वो तो मुझे भी पता है, हमें उस तक पहुंचना ही होगा। यहाँ पर खड़े होके कुछ नहीं होने वाला। नहीं, अगर इस घर का नक्शा पता चल जाता तो। तो चल पहले नक्शा हासिल कर लेते हैं। किस लिए? जाके घर के मालिक से मांग ले। अबे पागल हो गया क्या, ये ऑपरेशन को फेल करके रहेगा। ऑपरेशन के हिसाब से ना कोई लेफ्ट में होना चाहिए ना कोई राइट में होना चाहिए। ये कहाँ गया? विनय, विनय, विनय। अबे क्या विनयन विनयन कर रहा है, क्या बात है? देख प्लान मेरा है। हाँ? लीडर मैं हूँ। हाँ तो क्या? तो मैं आगे चलूंगा, तू पीछे आ। चल अच्छा ठीक है, चल मुझे फॉलो कर। जब भी हम जंग में जाते हैं तो हमेशा सेनापति की बात मानते हैं, तो इस ऑपरेशन का सेनापति मैं हूँ, तुझे मेरी बात ही माननी पड़ेगी। चुपचाप आते जा मेरे साथ। अरे गोबर लग गया। अरे यार उसे लेके चलने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक से बताना। प्लानिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन प्लानिंग, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही कर। इतना लाउड मत बोल, कॉपी करने को नहीं बोला मैंने। घर के पीछे सीढ़ियां तो होती ही हैं, लेकिन ये तुझे कैसे पता? जंग के समय सेनापति से सवाल नहीं किया जाता, जंग में सेनापति जो भी बोलता है उसे फॉलो किया जाता है, समझा? बदमाश कहीं का। अब यहाँ पे क्या अंडे दे रहा है, चल मेरे साथ। अच्छा जल्दी आ। वो लोग तो चले गए, हम क्या करें? चल हम भी कूदते हैं। क्या करेंगे? रूम देखते हैं ना। किसका रूम? श्री देवी का। चुप चुपचाप इंतजार करो। हाँ। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज बहुत बड़ा आदमी बन गया होता, पर क्या करूं तेरी बुद्धि ही खराब है। पर तू जानता है क्या, मैं दोस्ती के लिए कुछ भी कर। अच्छा। सकता हूँ। मुसीबत ना खड़ी कर दे वही काफी है। अबे हिम्मत रख, हिम्मत रख बस। अच्छा हिम्मत नाम की चीज भी होती है? अरे इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। क्या हुआ? पहले सेनापति जाएगा, उसके बाद एक दो तीन। अरे विनय वो पर्स गिर गया, उठा दो। कोई देख तो नहीं रहा है ना हमें? ये क्या है बे? क्या तू नीचे उतर पहले।
ऊपर जाके देखता हूँ ना कि वो है कि नहीं है। ऐसा मत कर, गड़बड़ हो जाएगी, भगवान जाग जाएगा, ऐसा मत कर प्लीज। अबे आप, तेरी तो जो लड़की बस के हेल्पर के साथ भागी थी वो तेरे पर्स में तेरे साथ हंसते हुए कैसे खड़ी है? सच सच बता। देख तू मेरी बात तो सुन। अबे तू कुछ नहीं बोलेगा? ठीक है नहीं बोलूंगा। मैंने तुझे बोला ना बोलने के लिए। देख अगर तू सच नहीं बोलेगा तो ये फोटो मैं भगवान को दिखा दूंगा। सच कह रहा हूं, बोल, सब कुछ समझाता हूं मैं तुझे। एक बार मैं इस घर में चोरी करने आया था, तभी मैं अपनी श्रीकला से मिला था। तेरी श्रीकला? तो वो कौन था? वो हेल्पर नहीं है। तो फिर वो हंस था। हंस हंस, मैं कुछ समझा नहीं रे। फ्लैशबैक, हंस हंस हंस। लो पियो, चाहिए क्या? चल जा। यार बीड़ी पिलाना। हम कल जाएंगे। कल कब? रात को जाएंगे। और आते वक्त तुम सोने के कंगन, गले का हार और कमरबंद लेते आना। कुछ पैसे होने चाहिए ना वहाँ खाना वाना खाने के लिए। लेकिन मुझे डर है अगर डैडी गन लेकर आ गए तब क्या करेंगे? भाग जाऊंगा। हाँ? मेरा मतलब मैं उनसे फाइट करूंगा। सच में? तुम्हारी कसम, कसम से। भगवान तो क्या, भगवती माँ भी आएगी ना तो ये गगन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, आओ चलो, आ जाओ, जाओ आओ ना। रुक बे, इस सीन में नीर कहां से आ गया? सिर्फ सीन में ही नहीं, इस कहानी का लेखक ही नीर है। ओहो, इस नीर ने भी ये बात ऐसे छुपाई जैसे बहुत बड़ा काम किया। इस सब का कारण तू और वो है। देख विनय, ऐसा मत बोल, आखिर वो तेरी भाभी है। अच्छा भाभी है, मार दूंगा तुझे कमीने। वैसे तूने बॉम्बे देखा है क्या? मैंने नहीं देखा यार। तो वहां की भाषा कैसे जानता? मेरा एक दोस्त है, उसका कनेक्शन मुंबई अंडरवर्ल्ड से, उसी ने सिखाया आमची मुंबई का अंडरवर्ल्ड। अबे कमीने, सिर्फ तेरी वजह से इतना झगड़ा हो रहा है यहाँ के लोगों के बीच, और मैं श्रीदेवी को देख भी नहीं सकता हूँ, पता है क्या तुझे? हाँ मुझे पता है। क्या? भगवान को ये बात किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना बीड़ू, अपुन और तू भाई भाई है। अगर तू एक शब्द और बोलेगा ना तो इसी चप्पल से मारूंगा तुझे। ठीक है, नहीं बोलेगा। श्रीदेवी और तुझे मिलाने के लिए और मेरे और श्रीकला के यहाँ वापस आने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। कौन से? नंबर वन, भगवान को टपका डालो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। भगवान भी यही चाहता है कि ये दोनों चीजें ना हो। बकवास बंद कर और जिस काम के लिए आया वो कर। ओके चढ़ जाओ ऊपर। अब क्या? अब तो तू मेरा साड़ू भाई बन गया, मुबारक हो। चल जल्दी से चढ़ जा। हाँ रुक जा एक मिनट, पहले भगवान को याद कर लेते हैं सच्चे दिल से और अब चढ़ जा। रुक रुक रुक, इसे साथ लेके जा, इसमें तू अच्छा लगता है। ये शहरों में ऐसा ही होता होगा ना, अगर वापस मुंबई का नाम निकाला ना तो तुझे मुंबई बोलना मत वरना मार दूंगा तुझे। कोई देख तो नहीं रहा है ना? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा बेटे चढ़ जा। जैसे चढ़ रहा हूँ वैसे सीढ़ी बड़ी होती जा रही है लगता है। आ ही गई है। दिखी 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 क्या? हाँ वो किताब पढ़ रही है। बुला बुला बुला। आओ ना। मम्मी पापा तक सोए नहीं है। विनय विनय अभी जा, आम चाहिए क्या? आम जाना। तू तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? नहीं सब लोग आए हैं। हाँ। मुझे लगा था तुम मुझे देखे बिना रोती रहोगी, लेकिन गाना सुन के और भूख पड़ के एंजॉय कर रही हो। हैं चुप करो तुम। पता है पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बस यही तो बाधा है हम दो प्रेमियों के बीच, मेरे ससुर जी मुझे छोड़ के कोई और रिश्ता ढूंढ रहे हैं। एक पंडित ने उनका हाथ भी देखा था। इन रेखाओं से ये पता लग रहा है कि बेटी की शादी करना बहुत ही उचित होगा। नहीं, कहा कि वो किसी का खून करने वाले हैं। ये मजाक करने के लिए तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया? नहीं मैं भी आती हूँ।
लगता है कुछ देने वाली है। चाहिए? नहीं नहीं, ये मुझे उससे भी मीठी चीज देने वाली है। विनय, ये माधव को दे देना। हाँ, ये क्या है? देखो विनय, श्रीदेवी टॉकीज किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी कारण से हम टॉकीज तो नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारे पास ही रखो। इसे प्लीज तुम अपने पास ही रखो, इन्हें बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे और टॉकीज बचाने के काम आ जाएंगे। नहीं, लेकिन वो, देखो विनय, ये मजाक नहीं है। पापा बहुत गुस्से में है, दो दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। उत्सव खत्म होते ही वो मेरी शादी करवा देंगे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं विनय? जैसे मेरी बहन भाग गई, क्यों ना हम भी वैसे ही भाग जाए? भागना है क्या? ये जरा हाथ निकालो। फिर तुम्हारे पापा की गोली मेरे सीने से होकर गुजरेगी, ठीक है? अबे हाँ, भागने के लिए बोल रही है ये। खानदानी बीमारी है, ऐसा ही बोलेगी। बोलने दे, बोलने दे, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, तुम्हें बुरा लगा क्या? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम मुझसे बात मत करो। अबे नाराज हो गई? नाराज हो गई? गाना गा, गाना गा। मुंबई में ना तू गाना गा, फिल्मों में ऐसा ही होता है, तू गाना गा। हाँ अच्छा। बेटी कौन है वहाँ? लगता है पापा आ गए। विनय तुम जाओ यहाँ से। कौन है? ओहो, सारी लड़कियां ऐसी होती है लगता है। मैंने कहा कौन है? कौन है वहाँ? अबे आ गया खलनायक। विनय भाग, जल्दी भाग। क्या हुआ, ये चिल्ला क्यों रहा है? क्या तो तू है? इस खिड़की का लॉक रिपेयर करने के लिए कहा गया था, सोचा सोते वक्त बेटी को डिस्टर्ब ना करूं। कमीना गगन, मेरे साड़ू भाई। अरे दिखा क्या वो? लगता है सबको पता चल गया, यहाँ के हालात तो बहुत खराब है यार। झुक जाओ, वो लोग यहीं पर आ रहे हैं। मुझे नहीं दिखे। अबे झुकना तू भी। गांव के जाने माने हस्ती आज यहाँ पधारे हैं। क्या हुआ नीर, आज कोई काम नहीं है क्या? आज का काम खत्म हो गया है मैडम सर। आपने हमारे लड़के के साथ क्या किया? ओ, तो आप उसकी वकालत करने आए हैं यहाँ? ये कहना तो सही नहीं है मैडम सर, फिर भी आखिरी बार माफ कर दीजिए ना। माफी? और उसको लेके आओ उसको। नॉस्टैल्जिया, आज तक इनकी फैमिली में कोई भी सुधार नहीं आया है। मुंबई में भी ऐसा ही होता है। मुंबई, आगे से भी गया, पीछे से भी गया। रात में इसके साथ और भी लोग थे, एक एक को देख लूंगा मैं। हमको देखेगा? ए नीचे बैठ। ए माधव, तुझे शर्म नहीं आती क्या? उधार लेने के बाद पैसे लौटाता नहीं, ऊपर से चोरों को मेरे घर पर रात में भेजता है। इस लड़के को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, इसे तो मैं जेल भिजवा के ही रहूंगा। ऐसा नहीं बस है। करो, काफी देर से सुन रहा हूँ। सुन लो मेनन, ये सब करने से पहले एक बात याद रखना, जब सूरज सर पे चढ़ जाता है ना तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों का मुंह ना खुलवाओ तो ही बेहतर है। हाँ बिल्कुल यही बात है। जब उत्सव में ये लोग बदतमीजी कर रहे थे तो छोड़ दिया था, आज निर्णय लेने के बाद ही इसे छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, हम भी देखते हैं। देख लो। हाँ। हाँ। हाँ? छोड़ दो उसे। लेकिन भैया, सुना नहीं तुमने? हाँ छोड़ दो उसे। ये तुमने सही फैसला लिया। ए पीछे हटो, पीछे हटो, चला जा, सीढ़ी पकड़ो। हाँ? एक बात सुन लो, आज तो मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन अगर ये दोबारा कभी इधर नजर आया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुछ ही दिनों में श्रीदेवी की शादी है, शादी होने तक ये मुझे नजर नहीं आना चाहिए। हे मेनन, अगर तेरी बेटी विनय को पसंद करती है तो एक बात सुन ले, आने वाले दिनों में कहानी कुछ और होगी। चल विनय। चुनौती तो अच्छी है लेकिन बचकानी है। वैसे माधव, तुझे अपना एग्रीमेंट
याद है कि भूल गया? बहुत कम दिन बचे हैं उसमें। चलो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो नसीब ही खराब है, अब क्या बोलूं? बिना किसी की मदद के मैंने तुम दोनों को बड़ा किया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इतना बड़ा हो गया है, ये नहीं सोचता कि घर में तेरे भरोसे दो लोग भी हैं। मैंने कहा था कि कोई ढंग का काम ढूंढ ले, लेकिन वो भी तुझसे नहीं होता। पिक्चर और गाने के पीछे जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। अगर जरा सी भी अक्ल है ना, तो तू फिर से ऐसा कभी नहीं करेगा। ये भी नहीं सोचता कि घर में एक छोटी बहन भी है, बस यहाँ बैठे बैठे खाता रहता है और आवारा गर्दी करता है। तू अपने आप को समझता क्या है विनय? बहुत बड़ा ऑफिसर है क्या तू? बस 10 एकड़ की जमीन है और थिएटर में नौकरी है, जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? तो क्या हुआ मामी, आपको बहुत अच्छी बहू मिली है ना? अब मैं तुझे थप्पड़ लगाऊं, उससे पहले चली जा, आई बड़ी सलाह देने वाली। मेरी माँ, जरा रुक जाओ, बहुत ही बड़ी पीड़ा है, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है कि मैं ही तकलीफ बन गई हूँ। जा, जो मन में आए वो कर। बहुत पहले जब तू वनजा दीदी के साथ भागा था, तब तुम्हें डर नहीं लगा था क्या? यार विनय, सुन, जब कोई पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, पर चोटी पर पहुंचते ही सब कुछ भूल जाया करता है। इस गांव के सारे लोग तेरे साथ हैं, तू डर मत, तुझे तेरी मंजिल मिलके रहेगी। तू अपने आप को अकेला मत समझ, माधव और मैं तेरे लिए जान दे सकते हैं। हिम्मत रख यार। हर इंसान की जिंदगी में रुकावट आती है, और जिसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो जीतो या फिर मरो। और ज्यादातर ये लड़कियों के साथ होता है प्यार करना। क्यों, सही कह रहा हूँ? सही है। और क्या। आ, ये ले पकड़। हाँ ठीक से बना, ठीक से। हाँ चलो, इसको रख दे उधर। कैसा जमाना आ गया है। हो गया, थोड़ा सा बाकी है, जल्दी कीजिए, वो लोग रुकेंगे नहीं। भाई जरा सामने तो देखो। आज तो बहुत मजा आया। हाँ भाई, बहुत ही मजा आया। इसे हम खत्म कर सकते हैं। आ, 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 रुक 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 जा। क्या विनय, मैंने सुना कल तेरे को बहुत पड़ी, हैप्पी है ना? यार मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि बड़ा कुंभागम में ज्यादा मस्ती नहीं करना। भाई ने जो बोला समझा ना तू? नहीं, मैं नहीं समझा। तेरी तो बोल रहा है, नहीं समझा। हम मैं तुझे समझाता हूँ। ठीक है, चल समझाना मुझे। अरे तुझे दहेज नहीं मिला है? अरे जा बे, निकल, रात को लड़की के घर में घुसता है। अरे चल चल निकल, चल निकल, चल जा, लिमिट में चलो, दिखाऊंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा इसे, कुछ तो करना। जा बे, डायलॉग मार रहा है, चल। पता है कल विनय श्रीदेवी के रूम में पकड़ा गया था, तुझे नहीं पता क्या? कल रात जो कुछ भी हुआ वो सबको पता है। क्या बात कर रही हो? अच्छी खासी पिटाई हो गई उसकी। वैसे लड़के में काफी हिम्मत है, सोने की मुर्गी को फंसाया है उसने। देख तो आ रहा है विनय, सुना है तेरी शादी होने वाली है, दावत में बुलाएगा ना हमें? बुलाएगा ना, भगवान का नौकर जो है। उस लड़की में भी काफी हिम्मत है, रात के 1 बजे लड़के को अपने कमरे के अंदर ले लिया। इज्जत हर चीज की तकलीफ थी, लेकिन हिम्मत करके उसने मुझे अपने पास रखा और मेरा इतना ख्याल रखा। अच्छा ये बात छोड़,
अगर वो तुझसे इतना ही प्यार करती है तो तुझे भी उसका ख्याल रखना होगा। एक लड़की की हिम्मत और ताकत एक लड़के से होती है। अगर तुझ में हिम्मत है तो जा और उसे ले आ। तूने फैसला कर लिया क्या? वो सुमित्रा के हाथों से खत भेजा है। रावण कहीं के? और फिर हनुमान दीवार पे चढ़ गए। रावण का सीता को किडनैप करने का कारण क्या है? एक तेरा फैसला सही है, देख किस तरह से बारिश हो रही है। हाँ हाँ और बारिश होने दो, लेकिन भाई ये जरा वाइपर ठीक कर लो। अब इसके लिए मैं भगवान से पैसे लूं क्या? Yeah.
पर चोटी पर पहुंचते ही सब कुछ भूल जाया करता है। इस गांव के सारे लोग तेरे साथ हैं, तू डर मत, तुझे तेरी मंजिल मिलके रहेगी। वहां चले गए जहां सबको जाना है। विनय, विनय भाई, विनय, विनय, विनय भाई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? विनय भाई, जितने पैसे हमारी टॉकीज में थे सारे चले गए। ये क्या बोल रहा है तू? मैं सुबह जब ऑफिस खोलने गया तो देखा भगवान को देने वाले पैसे और कलेक्शन के पैसे सब चले गए यार। चल। लगता है किसी आने वाले का काम है। यहाँ ऐसा काम करने वाला कोई पहचान का ही हो सकता है। माधव नायर जी, कंप्लेन लिखवाने के लिए स्टेशन पर आइए। सर, आपको मेरे पैसे ढूंढने ही होंगे, इस टॉकीज के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसकी टेंशन मत लीजिए, हम सब देख लेंगे। सर, चोरी आसपास के 2-3 घरों में हुई है, मेरी दुकान में भी हुई है। सर, इनकी चेन भी लेकर वो भाग गए। वो तो ठीक है, पर इतना कुछ होने के बावजूद कोई थाने नहीं आया। सर, हर बार उत्सव में ऐसा होता है। अब जो कुछ भी है हमें इंक्वायरी करने दो। सर, इंक्वायरी करने के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, चोर यहीं कहीं है। कहना क्या चाहते हो? आदरणीय सर जी, यहाँ पर जो चोर है उसे पूरा का पूरा गांव जानता है, इसका साथी है। कहाँ है वो तेरा साथी जो बॉम्बे से आया था, वही जो मौका मिला तो पैसे लेकर भाग गया? तो मैं कुछ भी बोल मत। ओ, गांव से वो भाग गया और तू मुझ पे चिल्ला रहा है? पहले गगन को पकड़ो, फिर उससे पूछो, तब पता चलेगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे, चलो रे थाने पर आ जाना, हम इंतजार करेंगे। सुगना, इधर आ। ये किसी बाहर वाले का काम है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और कौन करेगा? विनय, मैंने जिंदगी में बहुत चोरी की यार, लेकिन बाद में समझ आया कि चोरी के पैसों से जिंदगी नहीं चलती है, और जिसने मुझे सच का रास्ता दिखाया वो गुरु इस दुनिया में अब नहीं रहा, इसलिए मुझे अब यहां नहीं रहना यार। हमारी जिंदगी ऐसी है यार, पता नहीं किसके साथ क्या हो जाएगा। एक बार गलती हो जाए तो वो बार बार होती ही रहती है। माधव बेटा, बेचारा वो उस टॉकीज के बाहर आया भी नहीं। नीर, आशा और टॉकीज, ये दोनों के दुख में हम लोग होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं अब उसको किस तरह से हौसला दिलाए। श्री देवी टॉकीज। अरे कितना तेज दिमाग है आपका। मैंने कहा था ना कुवाचा, वो जगह कुछ ही समय बाद हमारी अपनी होगी। सही है भैया, अब और समय देने के बावजूद माधव आपको पैसे नहीं दे पाएगा। तुम इस काम के लिए लोगों को इकट्ठा करो, कल सुबह का सूरज उगने से पहले वो टॉकीज हमारी होनी चाहिए।
माधव, ये जगह मैं अपने कब्जे में ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई पैर नहीं रखेगा, सब लोग निकल जाओ, कोई भी टॉकीज के अंदर नहीं जाएगा। तुमने जैसा सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मैंने नहीं या भगवान है। आपको जो पैसे देने हैं वो हम लोग आपको दे देंगे। अबे चिल्लर, तू कहाँ से भरेगा, तेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, हैं? पहले ये सोच इतने पैसे लाएगा कहाँ से, उसके बाद गुस्सा दिखा। जबान चलाना बंद कर माधव, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मेनन सर, मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी ने ये टॉकीज शुरू की, और जब उनसे ये मुझे मिली तब मैं बहुत कर्जे में था, उसी वजह से मुझे इसे चलाने के लिए आपसे और कर्जा लेना पड़ा। ये जगह सब कुछ आप जब्त कर सकते हो, लेकिन इसे चलाने की परमिशन तो आप दे ही सकते हो। यार माधव, मैं तेरा इतिहास जानने यहाँ नहीं आया, और इस गांव के लोगों को सिनेमा दिखाकर मैं कोई संत भी नहीं बनना चाहता। तुझे क्या लगता है इसे चलाकर तू पैसे कमा पाएगा, हैं? अरे फिल्मों से तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी नहीं कमा पाते, और तू इस टॉकीज से कमाने की सोच रहा है। माधव, मैं कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये स्टैम्प पेपर है, इसमें मैंने ये लिखा है कि तुमने ये जगह मुझे सौंप दी है। देरी तो पीछे हो जाओ, चल। इन्हें लेने दे। देख क्या रहे हो, जाकर ले आओ सब। ये बारिश अचानक आई है और तेज हो सकती है। अब पिरुआ थूर में सिनेमा नहीं होगी। कह सकते हैं कि समय खराब है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। आप कैसे जा सकते हैं यहाँ से? जाना ही होगा। इतना होने के बावजूद अगर रुका तो मैं पागल होता। नीर और टॉकीज के बिना पेरुवित्तूर कडवू में मैं नहीं रह सकता। अब इस जीवन में मुझे कुछ और पाने की इच्छा नहीं बची है। उन सारी बातों को छोड़ दीजिए, हम और एक बार कोशिश क्यों नहीं कर सकते? हम सब आपके साथ हैं। इच्छा और सपने सिर्फ फिल्मों में होते हैं बेटा। जो इनके पीछे जाते हैं उन्हें सिर्फ दर्द ही मिलता है। ये लो, फिलहाल मेरे पास देने के लिए सिर्फ यही है। जब श्रीदेवी को तुम लेने जाओगे तब कार में लेके जाना तो अच्छा रहेगा। लो ये रख लो। नहीं, रख लो बोल रहा हूं।
आगे का जीवन बिताने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा ना। तो आपको जहां जाना है वहां जा सकते हो, मुझे भी उन लोगों से नहीं मिलना है जिन्होंने अकेले रहने का फैसला किया है। अरे विनय, चलो चलो आ जाओ, उतरो उतरो उतरो। दिन है दसवें दिन के उत्सव के रोमांच को बढ़ाने के लिए वेदिकेट टू वेलायुधन का वेदिकेट प्रयोग थोड़े ही समय में उत्सव के ग्राउंड पर दिखेगा। भक्तगणों को हम बता दें कि जो लोग भी दिया जलाना चाहते हैं वो कृपया लाइन में आ जाएं। वेदिकेट टू वेलायुधन के प्रयोग के लिए कुछ ही समय बाकी है, तो देवियों और सज्जनों आगे बढ़िए और आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और पुण्य के भागी बनिए। ये अवसर बार बार नहीं आता है, साल में एक बार आने वाले इस अवसर में अपने आप को शामिल कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी को चोट ना लगे। भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखिए। ऊपर वाले, ये आखिरी बार है, बचा लेना। विनय, गगन वहां से निकल गया होगा ना? उसने कहा था क्या कि वो राजू, मोनू और दसन के साथ इंतजार करेगा? कहा था क्या उसने? वैसे तूने उसे चिट्ठी तो दी थी ना? नहीं नहीं, दिया तो होगा ही तुमने। कहीं उसके डैडी के हाथ तो नहीं लग गई होगी? नहीं, पर वो सुमित्रा भी। चुप हो जाना यार, इस समय तू टेंशन ले रहा है। नहीं, वो सुमित्रा देगी ना। हाँ, समझ गया, चुप रह। ठीक है, अरे यहाँ सांप वाप तो नहीं है जो डस ले? श्रीदेवी आ रही है। विनय, राजा की तरह मेरे पास धन और दौलत तो नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत है कि मैं एक लड़की का ख्याल रख सकूं। मेरा ख्याल रखने के लिए इसमें पैसे तो नहीं है ना? आओ। अरे यार, इतनी देर हो गए, अभी तक आए नहीं, और कितना देर लगाएंगे? Yeah!
अरे कौन है? ए, रुक जा, क्या हुआ नर? सुगना, कोई चोर है, उसे छोड़ना मत। ए, सुगना, उसको छोड़ना मत, पकड़। ए, रुक रुक, अरे रुक, ए, रुक। तेरी तो, अरे कहाँ जा रहा है? ओए, मतलब तू था? हाँ, छोड़ना नहीं से। छोड़ना नहीं। पकड़ उसे, उसी तरफ गया है। ये भाग रहा है वो। अरे क्या हुआ? ये पकड़ जा। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये सबके साथ धोखा किया है। पकड़ उसे। ये भाग रहा है। वहाँ पे तो मैं राजू और दोस्त मिल जाएंगे। हम इन लोगों को रोकते हैं। तुम जाओ यहाँ से और जल्दी जाओ। जाओ आओ श्री देवी। वो लोग उस तरफ हैं। आज वो नहीं बचेंगे। वो आगे आगे छोड़ना नहीं है। भाग भाग आजा 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 आजा। ए रुक ए विनय। ए रुक जाओ रुक जाओ। ए भाग मत। ए ऊपर वाले बचा ले। छोड़ेंगे नहीं हम तुझे। बच गया, इनसे कैसे बचूं? अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? मैंने कहा था ना मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अरे हम यहाँ नहीं आए, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे जान प्यारी है तो भागो। अरे बाहर भागो, भागो। ये कहाँ से आ गए? रात चंद्र ग्रहण था जिसकी रोशनी में दो प्यार करने वाले घुल मिल गए। बाद में पर्वतहूर कड़ावू की बहुत सारी पीढ़ियां उसी दिव्य रोशनी को ढूंढने लगीं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उत्सव की हर रात को उस दिव्य रोशनी का लोग इंतजार करते थे, लेकिन फिर से वो रोशनी कभी नहीं दिखी। लोग इंतजार करते रहे।
इस गांव के लोग दिव्य रोशनी के बारे में बात करते हैं। तो उस रात को विनय ने जो देखा था वो दिव्य रोशनी थी ना? तुम दिव्य रोशनी पूछ रहे हो? दिव्य रोशनी नहीं, बहुत ही दिव्य रोशनी, आंखें चौधिया जाए बिल्कुल। उसे मोटी बिंदु कहते हैं ना? बकवास करता है। दिव्य रोशनी जैसी चीज सच में है क्या? और नहीं तो क्या, कितने साल हो गए। सच्ची में दिव्य रोशनी? ए भगवान की गाड़ी है? एक तीर से दो निशाने लग गए। कहाँ? चला जा। आजा आजा आजा। और भजरंगन बिजू साड़ू भाई तुझे इसकी तरह शांत रहना चाहिए। अरे ये दोनों बच्चे माँ पर गए, क्यों सही बोला ना मैंने? क्या यार पेटी नहीं मिली? मिली यार, उसे पेटी मिली। फिर मुकाबला शुरू करो। दिव्य रोशनी दिखाने वाले भी। अरे तू चक्कर। प्यारे गांव वालों, आप लोगों को जिस चीज का वर्षों से इंतजार था, वैदिक एटू मिलायुधन के गर्भम कल्की का, जो केरला में पहली बार इस गांव की मिट्टी पर दिखेगा, तो स्वागत कीजिए वैदिक एटू मिलायुधन के स्पेशल आइटम गर्भम कल्की का, जो यहां की धरती की शान को बुलंदी पर पहुंचाता है। आज की ये रात हम सब के लिए बहुत ही गर्व की रात है, क्योंकि हमारी अपनी परंपरा को देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ने भगवत गीता में कहा है संभवामि युगे युगे, लेकिन तुम्हारा नसीब ये भगवान लिखेगा। यहां बताओ, जा 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 जा। ये क्या हो गया? भगवान वेदकेट्टू वेलायुधन के रूप में आए या वेदकेट्टू वेलायुधन भगवान बन के आए, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन पटाखों की आवाज के साथ विनय को उसकी श्री देवी मिल गई और गांव के लोगों को उनका टॉकीज।
सालों के बाद श्री देवी टॉकीज में एक बार फिर से लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे, धुंधली तस्वीरें फिर से नजर आए। विनय अभी तक इंतजार कर रहा है माधव का कि वो उसका श्री देवी टॉकीज वापस दे सके। माधव ने तो जैसे अपने जीवन को सिनेमा के लिए ही समर्पित कर दिया था। माधव को सिनेमा बहुत पसंद था। सिनेमा के प्रति अपने जुनून के चलते वो आज भी लोगों का मनोरंजन टूरिंग टॉकीज से करता है, फिल्मों को दूर दूर के गांव तक पहुंचाता है और इस तरह से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है।